हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास आया है एक स्पीकर, देख सकते हैं। और दोस्तों इसका कंपनी का नाम है, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रॉक म्यूजिक लिखा गया है, देख सकते हैं रॉक म्यूजिक। और दोस्तों इसका मॉडल नंबर दोस्तों 887। और दोस्तों इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, चार्जिंग पिन इसका उखड़ गया है अंदर से। इसका दोस्तों प्रॉब्लम यही ही आता है दोस्तों, चार्जिंग पिन ही इसका उखड़ता है। और इसका प्रॉब्लम दोस्तों कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसा एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और कभी भी दोस्तों नहीं उखड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर हॉटगन दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक लगा हुआ है, देख सकते हैं टेप। तो ये दोस्तों गर्म करने से ही खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। पर इसको हम गर्म कर लेते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इसके नीचे दोस्तों तीन ठो स्क्रू लगा है, इन तीनों स्क्रू को दोस्तों हम निकालेंगे। दोस्तों हमारा स्पीकर एकदम सही है, देख सकते हैं लाइट वगैरह भी चल रहा है। दोस्तों इसका प्रॉब्लम वही है, चार्जिंग पिन ही उखड़ गया है इसका। तो तीनों स्क्रू को हम निकाल देते हैं जल्दी से। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा तीनों स्क्रू निकल चुका है। अब दोस्तों इसको ढक्कन को निकालेंगे, यहाँ का इसका स्विच को भी निकाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका पिन, देख सकते हैं टूट गया है। और दोस्तों इसका यही ही प्रॉब्लम आता है, देख सकते हैं यहाँ पर लटका हुआ था, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लटका हुआ था। लेकिन दोस्तों ये ऐसा बना है, बहुत हल्का बनता है ये, तो इसलिए दोस्तों ये निकल जाता है। दोस्तों आज की इस ट्रिक ऐसा बताएंगे दोस्तों, कभी भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा और नहीं उखड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों ऐसा मार्केट में मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट, देख सकते हैं ये वाला V8 बोलते हैं इसको, इसका मॉडल नंबर V8 है। और दोस्तों ये हम ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर पर ही इसको लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम जब आता है और दोस्तों हम नया वाला लगाते हैं तो उखड़ जाता है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं ऐसा, ये वाला लगाएंगे तो दोस्तों ये कभी भी दोस्तों ख़राब नहीं होता है और दोस्तों ये कभी भी उखड़ता भी नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीमीटर ले लेंगे और दोस्तों इस जो पिन है इसका कनेक्टर, इसको हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों 5 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। दोस्तों हमारा ये पिन एकदम सही है। सबसे पहले आपको जब भी लगाना है ये पिन वगैरह, दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है, तब जाके आपको लगाना है। दोस्तों देख सकते हैं ये ऐसा लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों ऐसा वाला जो पिन देख रहे हैं दोस्तों, आपको कभी भी नहीं लगाना है दोस्तों। जब भी उखड़ जाए दोस्तों ऐसा वाला पिन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये एक दो दिन के अंदर फिर दोस्तों ये निकल जाएगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाला को लगाएंगे अभी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है कहाँ पर इसका पिन लगा हुआ था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर इसका पिन लगा हुआ था, तब जाके हम दोस्तों इसको बैठाएंगे। थोड़ा काम करना पड़ता है दोस्तों, स्पेस बनाना पड़ता है, तब जाके ये बनता है। दोस्तों हमारा चार्जिंग पिन यहाँ पर लगा हुआ था, देख सकते हैं। दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो देख सकते हैं इसका स्पेस नहीं है इतना, तो अंदर तो नहीं घुसेगा। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहले से चार्जिंग पिन लगा हुआ था वही जगह पर हमें स्पेस बनाना पड़ेगा। सोल्डिंग आयरन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम होल्ड कर देंगे, थोड़ा सा नीचे की ओर होल्ड करेंगे और इसका जितना भी है दोस्तों, हम जितना भी स्पेस बनाएंगे, जितना भी ये रहेगा इतना ही हमें स्पेस बनाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्पेस बन चुका है और थोड़ा सा करेंगे। और दोस्तों जितना भी हमारा प्लास्टिक वगैरह बाहर की ओर निकला हुआ है, इसको हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं जितना भी प्लास्टिक हमारा निकला हुआ था बाहर की ओर, और अंदर की ओर भी हमारा प्लास्टिक निकला हुआ है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको निकाल देना है, जितना भी प्लास्टिक एक्स्ट्रा हमारा
निकला हुआ है, नहीं तो दोस्तों ये अच्छे से नहीं बैठेगा। और आपको अच्छे से ही इसको सोल्डिंग करके अच्छे से ही बैठाना है, अच्छे से नहीं बैठेंगे तो दोस्तों ये भी निकल जाएगा। देख सकते हैं हमारा स्पेस बन चुका है। अभी हम इसको ट्राई करेंगे, इसको अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं देखेंगे, तब जाके हम काम करेंगे। तो हमारा ठीक से बैठ रहा है दोस्तों, और थोड़ा सा हम कट करेंगे थोड़ा सा नीचे की ओर, और थोड़ा सा होगा हमारा, तब जाके लगेगा। थोड़ा सा हमें कट करना पड़ेगा दोस्तों। आपको भी जब भी ये लगाना है दोस्तों, आपको स्पेस अच्छे से बनाना है, कनेक्टर जैसे भी लग जाएगा ऐसा ही आपको करना है। तो दोस्तों हमारा तो हो गया है, अभी हम क्या करेंगे इसको फिर एक बार दोस्तों हम इसको चेक करेंगे। पहले इसका थोड़ा लेग को, इसको इसका लेग को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा अंदर। अभी दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से एक बार हम चेक करेंगे दोस्तों इसका प्लस और माइनस को। तो मल्टीमीटर ले लेते हैं और 24 सेट करेंगे। अभी दोस्तों हम प्लस माइनस को चेक करेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी माइनस हो गया, यहाँ पर अभी देख सकते हैं प्लस हो गया, मतलब हमारा प्लस वाला दोस्तों ये वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और रेड कलर में हम प्लस को वायर को लगाएंगे, अच्छे से आपको सोल्डिंग कर देना है दोस्तों। हम पहले से ही वायर ले चुके हैं, सोल्डिंग भी कर चुके हैं वायर को, अभी हम इसको प्लस के पास लगाएंगे इस वायर को, रेड वाला, रेड वाला को हम प्लस में लगाएंगे, और ग्राउंड वाला जो है हमारा माइनस, ये वाला हम एक गोल्डन कलर हम लिए हैं वायर, ये वाला हम लगाएंगे, देख सकते हैं गोल्डन कलर है ये। यहाँ पर दोस्तों आपको उल्टा बिल्कुल ही नहीं लगाना है, उल्टा लगाएंगे तो क्या होगा, आपका चार्जर भी खराब हो सकता है और आपका ये जो स्पीकर है दोस्तों, स्पीकर भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान के साथ आपको काम करना है, नहीं तो आप दोस्तों खराब भी कर सकते हो, स्पीकर को खराब भी हो सकता है आपके हाथ में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्लस पर आपको लगाएंगे वायर को रेड कलर, और माइनस को लगाएंगे माइनस पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं इसका ट्रैक को, इसका कनेक्शन दोस्तों एकदम सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा प्लस और माइनस का ट्रैक आया हुआ है वहाँ से दोस्तों आपको अच्छे से दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये वाला हमारा प्लस है, ठीक है, ये वाला प्लस है, और ये वाला दोस्तों हमारा माइनस है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे और यहाँ पर हम सोल्डिंग करेंगे, हमारा प्लस माइनस को अच्छे से देख कर सोल्डिंग करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग हो चुका है, अभी हम वही कनेक्टर को लगाएंगे, रेड कलर में हमारा प्लस डालेंगे, और गोल्डन कलर जो लिए थे वो वाला हमें माइनस पर डालना है, ठीक है। तो हमारा सोल्डिंग तो हो चुका है दोस्तों, अभी हम ट्राई करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा चार्जिंग होने लगा है, ठीक है, देख सकते हैं चार्जिंग होने लगा है, प्लस और माइनस को अच्छे से हम सोल्डिंग कर चुके हैं। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, लाइट तो आ रहा है हमारा, ठीक है। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टर जो है हमारा शॉर्ट हो सकता है, हम इसको जब डालेंगे तो हमें यहाँ पर एक टेप लगाएंगे, देख सकते हैं ये डॉक्टर टेप बोलते हैं इसको, वाइट टेप
दोस्तों हम इसको यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि हमें आगे हमारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से हम टेप लगा चुके हैं, अभी दोस्तों इसको हम अच्छे से फिटिंग करेंगे। तो आपको जैसा रखना है वैसा ही भी रख सकते हो। हम सीधा रखेंगे कनेक्टर को, किसी किसी लोग उल्टा भी रखते हैं इसको, लेकिन हम दोस्तों इसको सीधा लगाएंगे अच्छे से। दोस्तों आपको बैठाना है, तब जाके आपको स्क्रू लगाना है, ठीक है। तो हमारा ये जो कनेक्टर है दोस्तों चार्जिंग का, अच्छे से बैठ गया है, ठीक है। अभी दोस्तों इसका पीछे जो है लगा है स्विच, इसको भी लगा देते हैं, और इसका पीछे का ढक्कन भी दोस्तों हम अच्छे से देख कर लगाएंगे। अच्छे से आपको देखना है दोस्तों, तब जाके आपको स्क्रू को लगाना है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा एकदम सही से बैठ गया है, ठीक है। लास्ट में हम थोड़ा सा फेविक्विक भी लगा देंगे यहाँ पर। दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी अच्छे से इसका स्क्रू, जो 3 स्क्रू लगा हुआ है, अच्छे से टाइट कर देना है आपको। देख सकते हैं टाइट हो गया है दोस्तों। ऐसा प्रॉब्लम आए, जितना भी आपका ब्लूटूथ स्पीकर हो या जितना भी जो भी हो, ऐसा कनेक्टर जो लगा होता है दोस्तों, आपको वही कनेक्टर नहीं लगाना है कभी भी, ऐसा वाला लगाना है। ये दोस्तों सालों साल टिकेगा और दोस्तों ख़राब नहीं होता है। मैंने इसको बहुत बार ब्लूटूथ स्पीकर पर लगाया है और लाइट पर भी लगाया है दोस्तों, ये ख़राब बिल्कुल कभी भी नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फेविक्विक यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये बाहर की ओर नहीं आना चाहिए। और दोस्तों आपको ज़्यादा फेविक्विक नहीं देना है, साइड साइड थोड़ा थोड़ा दे देना है, 2-3 जगह, बस इतना ही देने से दोस्तों आपका मजबूत हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम आपको अभी दिखा देते हैं चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। अच्छे से दोस्तों ये फिटिंग हो चुका है, अभी हम चार्जिंग पर लगाएंगे। देख सकते हैं हमारी चार्जिंग होने लगा है, रेड कलर में शो कर रहा है। दोस्तों ऐसा पिन आपको कभी नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो दिखा रहा हूँ ऐसा पिन आपको कभी नहीं लगाना है। हम जो आज फिटिंग किए वही पिन लगाना है, सालों साल टिकेगा।